नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है नया लाभ हानि अनुपात, इसमें हमने एक विधि कर ली जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है। अब दूसरी विधि इसमें जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है, यानी पुराने जो साझेदार हैं उनसे बराबर ले रहा है, यानी नए साझेदार को जो मिल रहा है वो सारा वो क्या है, पुराने साझेदारों से बराबर बराबर ले रहा है। जैसे किसी फर्म में ए और बी दो साझेदार हैं जो लाभों को 3:2 में बांटते हैं, उन्होंने सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, सी अपना यह हिस्सा दोनों साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त कर रहा है। किसी को जो हिस्सा मिल रहा है 1/5 वो दोनों साझेदारों से क्या समान अनुपात में ले रहा है, यानी जितना ए से ले रहा है उतना ही बी से ले रहा है, तो 1/5 का आधा फिर वो ए से लेगा और 1/5 का आधा है वो बी से लेगा। यानी कल हमने जो विधि कही थी कि जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है, उसमें हमने क्या किया था, नए साझेदार के हिस्से को पुराने साझेदार के हिस्से से गुणा करके त्याग निकाला था। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें समान अनुपात में ले रहा है, इसलिए क्या करना है, दोनों को बराबर से त्याग गुणा करके त्याग निकालना है। इसमें त्याग कैसे निकालेंगे, पहले वही ए का त्याग, ए का त्याग, तो ए का त्याग हो गया, सी को जो मिल रहा है 1/5 इसका वो आधा ए से ले रहा है, तो 1/5 को आधे से गुणा कर दो, तो आधे से गुणा करेंगे तो 1/2 से गुणा करेंगे तो इसका आ गया 1/10, तो ए का त्याग हो गया 1/10। बी का त्याग, तो दोनों का त्याग समान ही आएगा क्योंकि वो समान हिस्सा ले रहा है, तो 1/5 का 1/2 यानी फिर 1/10, तो ए का त्याग हो गया 1/10 और बी का त्याग हो गया 1/10, तो अब दोनों का समान त्याग हो गया। अब ये आ गया अपना त्याग का अनुपात, एक अनुपात में एक, त्याग का अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। अब आपको नया अनुपात निकालना है, ए का नया अनुपात अब ए का नया अनुपात कितना हो गया, देखो ए का पुराना कितना था 3/5, त्याग कितने का है 1/10 का, तो पुराने में से क्या करेंगे, पहले त्याग घटा देंगे, तो 3/5 में से 1/10 घटा दिया, लघुत्तम आया इसका 10, 5×10 और तो 2 आ गए 6 आ गया, ये माइनस में 1, तो इसका आ गया 5/10, तो ए का नया अनुपात आ गया 5/10। बी का नया अनुपात, बी को पहले कितना मिलता था 2/5, त्याग कितने का किया 1/10 का, वही 10 आ गया, 5×10 2×2 4 आ गया, माइनस में 1 आ गया, इसका आ गया 3/10,
तो ए का नया अनुपात आ गया 5/10, बी का नया अनुपात आ गया 3/10 और सी का नया अनुपात, क्योंकि नए में सी भी शामिल होएगा, तो सी का नया अनुपात आ गया, सी को कितना मिला है, कितना मिल गया 1/5। तो 1/5 है, लेकिन इनका हर क्या है 10 है, तो इसके हर को भी क्या करना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 बनाने के लिए जितने को हर से गुणा करेंगे उतने को अंश से भी करेंगे, तो 10 बनाने के लिए हर को है वो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो अंश को भी क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो 2/2 से आ गया, ये आ गया 2/10। तो ए का अनुपात आ गया 5, बी का आ गया 3 और सी का आ गया 2, यानी 5 3 2, तो नया अनुपात हो गया 5:3:2। तो जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है, उसे कैसे करना है, जैसे ए और बी लाभों को किस अनुपात में बांटते हैं, 3:2 में। उन्होंने सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और सी क्या कर रहा है, दोनों साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा है। सी इस 1/5 हिस्से को दोनों साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त कर रहा है। तो पहले समान अनुपात में, तो त्याग भी समान अनुपात में हुआ, तो ए का त्याग हो गया, सी को मिल रहा है 1/5, उसका आधा वो किससे ले रहा है, ए से, तो 1/5 का आधा हो गया 1/10, यानी 1/2 से किसी का बीच में आ जाता है, तो का मतलब गुणा होता है, तो इसका आधा आधा है, तो फिर आधे से गुणा कर दो, आधे का मतलब 1/2, तो 1/10 आ गया। बी का त्याग हो गया 1/5 का 1/2, यानी कि वही 1/10 हो गया। तो त्याग का अनुपात इनका हो गया 1:1। अब आपको ए का नया अनुपात निकालना है, ए का नया अनुपात निकालोगे तो ए का पुराना था 3/5, जिसमें से त्याग कितने का कर दिया, 1/10 का, तो 3/5 में से क्या करोगे, 1/10 घटा दोगे, तो 10 आ गया, 5 2 10, 2 3 6, 6 आ गया, माइनस में 1 आ गया, 6 में से 1 ही आ गया 5/10, बी का नया अनुपात आ गया, बी का पुराना था 2/5, त्याग कितने का कर दिया, 1/10 का, तो 2/5 में से क्या करेंगे, 1/10 घटा देंगे, 10 आ गया, 5 2 10, 2 2 4 आ गया, माइनस में 1, तो ये आ गया 3/10। और सी का नया अनुपात आ गया, सी का तो जो मिला है वो नहीं मिला है, तो सी का कितना, 1/5, लेकिन उसको हर बराबर करना पड़ेगा, तो हर बराबर करने के आपको क्या करना है, 2/2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2/2 से गुणा किया तो ये 2/10 आ गया, तो नया अनुपात आपका 5 3 2 आ गया। तो इसमें ये आ गया, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता हूँ। अब देखो इसमें पुराने साझेदार 2 है, कई बार ये होता है कि पुराने साझेदार 2 की बजाय 3 होते हैं, तो फिर आप वहाँ पर 1/2 से गुणा नहीं कर सकते, फिर आपको सवाल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, इसका अपने क्या करते हैं, पहले ये मान लेते हैं कि पुराने साझेदार वो 3 है और चौथा आया है वो नया आया है जो पुराने साझेदारों से समान अनुपात में ले रहा है। जैसे किसी फर्म में ए बी और सी, ए बी सी 3 साझेदार है जो लाभों को 4 3 2 में बांटते हैं, जो लाभों को क्या करते हैं 4:3:2 में बांटते हैं। उन्होंने डी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, उन्होंने डी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जिसे हिस्सा दिया गया 1/9, डी को 1/9 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। अब आपको ये कहे कि डी अपना 1/9 हिस्सा है वो पुराने साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है, समान अनुपात में प्राप्त कर रहा है। अब आपको क्या करना है, डी को जो हिस्सा मिल रहा है उसे तीनों साझेदार बराबर बराबर दे रहे हैं, इसका मतलब आपको 1/9 को 1/3 से गुणा करना है, तीनों का बराबर बराबर त्याग आ जाएगा,
प्रत्येक बार आपको क्या करना है, एक बटे नौ को एक बटे तीन से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे ए का त्याग, तो ए का त्याग हो गया डी को जो मिल रहा है एक बट्टे नौ, तीनों बराबर त्याग कर रहे हैं, एक बट्टे नौ का एक बटे तीन, तो ये आ गया एक बटे सताइस, एक बटे नौ का एक बटे तीन तो कितना आ गया अपना एक बटे सताइस आ गया। बी का त्याग एक बटे नौ का वही एक बटे तीन, एक बटे सताइस। सी का त्याग एक बटे नौ का वही एक बटे तीन, यानी फिर एक बटे सताइस। तो ए का त्याग एक बटे सताइस, बी का त्याग एक बटे सताइस और टी का सी का त्याग भी एक बटे सताइस, ये तीनों का क्या हो गया त्याग हो गया। अब आपको तीनों का नया अनुपात निकालना है, तो नए अनुपात की गणना, इन तीनों का निकालोगे, डी तो नया ही है उसका निकालना ही है आपको। पहले ए का नया अनुपात, तो ए का नया अनुपात, नया अनुपात का सूत्र क्या हो गया, पुराना अनुपात माइनस में, पुराना अनुपात माइनस में त्याग का अनुपात। तो ए का पुराना कितना था, चार तीन सात दो नौ हो गया, तो चार बटे नौ। त्याग कितने का किया, एक बटे सताइस का, सताइस और नौ का जब लघुत्तम लोगे तो सताइस आ गया, सताइस में नौ का भाग दिया, नौ तीस सताइस, तीन सौ के बारह, माइनस में एक, तो इसका आ गया ग्यारह बटे सताइस, नौ तीस सताइस, तीन सौ के बारह, माइनस में एक, ग्यारह बटे सताइस आ गया। बी का नया अनुपात, बी का नया अनुपात हो गया, बी को पुराना मिलता था तीन बटे नौ, त्याग कितने का किया, एक बटे सताइस का, तो ये सताइस आ गया, नौ ती सताइस, तीन तीय नौ, माइनस में एक, तो इसका आ गया आठ बटे सताइस, कितना आ गया आठ बटे सताइस। अब सी का नया अनुपात, सी को पहले कितना मिलता था दो बटे नौ, त्याग कितने का वही एक बटे सताइस का, तो लघुत्तम वही ले लिया अपने सताइस, लघुत्तम ले लिया सताइस, नौ ती सताइस, तीन तीन आ गए, तीन दूनी छः, माइनस में एक, पाँच बटे सताइस। अब डी का नया अनुपात, क्योंकि नए में तो डी भी शामिल होगा क्योंकि वो नई फर्म का हिस्सा बनाया, अब डी को जो हिस्सा मिला वो कितना है एक बटे नौ। अब देखो इसके बटे में सताइस, इन सब का हार है वो सताइस है, लेकिन इसका हार है वो क्या है नौ है, तो पहले हमें क्या करना है इस हार को नौ को क्या करना है सताइस बनाना है, तो तीन बटे तीन से गुणा करेंगे, तो हर को सताइस बनाएंगे तो उसको भी उतने से गुणा करना पड़ेगा, ये आ गया अपना तीन बटे सताइस। तो नया अनुपात कितना हो गया, नया अनुपात बराबर ए बी सी ओ डी कितना आ गया ग्यारह आठ पाँच तीन, ग्यारह आठ उन्नीस, पाँच चौबीस, तीन सताइस, इसका हर सताइस है तो इन सब का योग भी कितना आना चाहिए सताइस ही आना चाहिए, तो नया अनुपात ग्यारह आठ पाँच तीन आ गया। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से क्या समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, तो जितने नए साझेदार को हिस्सा मिल रहा है पुराने साझेदार जितने हैं उनके बट्टे में लगाकर गुणा कर देना, जैसे इसमें तीन है तो एक बट्टे तीन से गुणा कर दो, दो है तो एक बट्टे दो से, अगर मान लो पुराने चार होते हैं तो यहाँ पे गुणा है वो एक बट्टे चार से होता, तो इसमें एक बट्टे नौ नए साझेदार का हिस्सा, तीनों साझेदार बराबर दे रहे हैं तो एक बट्टे नौ का एक बट्टे तीन यानी एक बट्टे सताइस तो ए दे रहा है, एक बटे सताइस ही बी दे रहा है और एक बटे सताइस ही सी दे रहा है। हम नए अनुपात की गणना करेंगे, तो ए का नया अनुपात हो गया चार बटे नौ था पहले, जिसमें क्या करेंगे एक बटे सताइस घटाकर इसका ग्यारह बटे सताइस आ गया। बी का नया हो गया पहले कितना था तीन बटे नौ, त्याग कितने का किया एक बटे सताइस का,
तो इसमें से 1/27 घटाया तो ये 8/27 आ गया। सी का नया अनुपात हो गया 2/9 में से 1/27 घटाया तो 5/27 आ गया। अब नए अनुपात में डी भी शामिल होएगा तो डी का नया अनुपात हो गया 1/9 ही उसका नया है लेकिन उसका हर बराबर करना है, तो हर बराबर करने के लिए 9 को 27 बनाएंगे, 9 को 27 बनाएंगे तो 3/3 से गुणा करेंगे, ये आएगा अपना 3/27। तो नया अनुपात 11.853 आ गया अपना। ये होगी अपनी दूसरी विधि, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। अब इसकी तीसरी विधि है, जब नया साझेदार किसी एक ही साझेदार से हिस्सा प्राप्त करें, जब नया साझेदार किसी एक ही साझेदार से हिस्सा प्राप्त करें, तो इसमें देखो नए साझेदार को कोई एक साझेदार हिस्सा दे रहा है, ये मान लो त्याग सारा का सारा उसी का हो गया, तो जो साझेदार मान लो पहले दो थे, त्याग एक ने किया तो उस दूसरे साझेदार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसका हिस्सा वही रह गया जो उसका पुराना हिस्सा था, यानी पुराना और नया हिस्सा दोनों सेम रहेंगे उसके। कैसे देखो, किसी फर्म में एक्स और वाई दो साझेदार हैं जो लाभों को 3-2 में बांटते हैं। एक्स और वाई दो साझेदार हैं जो लाभों को किस अनुपात में बांटते हैं, 3:2 में। जेड को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया, जेड को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया, सारा हिस्सा एक्स से प्राप्त किया गया, सारा हिस्सा एक्स से प्राप्त किया, यानी जेड को जो 1/5 हिस्सा मिला वो सारा का सारा किससे प्राप्त किया, एक्स से प्राप्त किया, तो सारा का सारा त्याग किसका हुआ, फिर एक्स का हो गया। तो इसमें देखो एक्स का त्याग वही होगा जो जेड को मिला है, और जेड को कितना मिला है, जेड को मिला है 1/5, तो एक्स का त्याग हो गया 1/5। वाई का त्याग बराबर नील, क्योंकि वाई ने कोई त्याग नहीं किया, क्योंकि जेड ने सारा का सारा हिस्सा किससे प्राप्त किया है, जेड ने सारा का सारा हिस्सा है वो एक्स से प्राप्त किया है, तो एक्स से प्राप्त किया तो एक्स का त्याग 1/5 हो गया, यानी जो जेड को मिला वो त्याग एक्स नहीं कर दिया। अब आपको नया अनुपात निकालना है, तो नए अनुपात की गणना नए अनुपात की गणना, अब नए अनुपात की गणना है तो नया अनुपात पहले देखो एक्स का नया अनुपात, एक्स को पहले कितना मिलता था 3/5, यानी उसे 3/5 मिलता था और सारा का सारा त्याग उसी ने किया है, तो 3/5 माइनस में 1/5, 3/5 में से क्या करोगे 1/5 घटा दोगे, एक्स का नया अनुपात है वो 2/5 बच गया, तो एक्स का नया अनुपात कितना बच गया 2/5। अब वाई का नया अनुपात वाई को पुराना कितना मिलता था 2/5 और अब भी उसे 2/5 ही मिलेगा क्योंकि उसने कोई त्याग नहीं किया, तो उसका नया अनुपात आ गया 2/5। अब जेड का नया अनुपात
जेड को कितना मिल रहा है, एक बट्टे पाँच, ये एक बट्टे पाँच मिल गया। तो नया अनुपात हो गया, नया अनुपात बराबर 2:1, दो अनुपात एक। तो जब नया साझेदार किसी एक ही साझेदार से हिस्सा प्राप्त करे तो त्याग केवल उसी का होता है। तो इसमें x और y तीन दो में बांटते हैं, z को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया, z को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। जो सारा का सारा हिस्सा z ने x से प्राप्त किया है, सारा का सारा हिस्सा है वो किससे प्राप्त किया गया है, z x से प्राप्त किया गया। तो त्याग किसका हो गया, सारा का सारा त्याग है वो x का हो गया। तो x का त्याग कितना हो गया, 1/5। y का त्याग कितना हुआ, नील। अब नए अनुपात की गणना करनी है आपको, तो x का नया अनुपात हो गया 3/5। अब 3/5 पहले मिलता था, त्याग कितने का कर दिया, 1/5 का। तो 3/5 में से क्या करेंगे, 1/5 घटा देंगे, तो इसका 2/5 आ जाएगा। y का नया अनुपात हो गया, पहले जो y को मिलता था वो अब भी मिलेगा, तो y को मिले पहले मिलता था 2/5 और अब भी कितना मिलेगा, 2/5। z का नया अनुपात जो z को मिल रहा है 1/5, तो नया अनुपात आ गया 2:1। ये हो गया जब नया साझेदार किसी एक ही साझेदार से हिस्सा प्राप्त करे। तीसरी विधि होगी, चौथी, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करें, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करें। निश्चित अनुपात यानी कि निश्चित पता हो भी किससे कितना ले रहा है, किससे कितना ले रहा है। जैसे ए और बी लाभों को 3:2 में बांट रहे हैं, उन्होंने सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। अब आपको ये कहे कि सी अपना 1/5 हिस्सा कैसे ले रहा है, देखो जिसका 1/4 तो ले, 1/3 तो ले रहा है ए से और 2/3 ले रहा है बी से, यानी सी को जो 1/5 हिस्सा मिल रहा है वो 1/3 तो किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, और 2/3 किससे ले रहा है, बी से। अब क्या करना है आपको, इसे जोड़ के देखना है। अगर मान लो ये जोड़कर इस हिस्से के बराबर आ जाए तो इसे सीधा त्याग मान लेना, अगर जोड़कर इस हिस्से के बराबर ना आए तो फिर आपको त्याग निकालना पड़ता है। तो पहले क्या करेंगे, अपने 1/3 + 2/3 करके देखेंगे, ये आ गया 1/3 और 2/3, यानी 3/3 आ गया। 3/3 का मतलब एक, अगर ये जोड़कर एक आ गया इसका मतलब ये सीधा त्याग नहीं है, आपको त्याग निकालना है। अगर जोड़ के 1/5 आ जाता ना तब तो हम सीधा इसको त्याग मान के इसमें से घटा देते, लेकिन इसमें जोड़कर कितना आया है, एक आया है, तो ये सीधा त्याग नहीं है। पहले आपको क्या करना है, त्याग निकालना है। वो कैसे निकलेंगे, पहले देखो ए का त्याग, ए का त्याग निकालने का तरीका है कितना मिल रहा है इसको, 1/5, 1/5 का 1/3 वो किससे ले रहा है, ए से। तो 1/5 को 1/3 से गुणा करेंगे, 1/15, तो ए का त्याग तो हो गया 1/15। बी का त्याग वही सी को मिला 1/5, इसका 2/3 ले रहा है, इसका आ गया 2/15।
तो एक बट्टे पंद्रह तो वो ले रहा है ए से और दो बट्टे पंद्रह ले रहा है बी से। अब क्या करना आपको, देखो नया अनुपात निकालना। अब ए का नया अनुपात, तो नए अनुपात का सूत्र क्या होता है, पुराना माइनस में त्याग। तो ए का पुराना था तीन बटे पाँच, त्याग कितने का किया, एक बटे पंद्रह का, तो ये आ गया पंद्रह, पाँच थी पंद्रह, तीन थी नौ, माइनस में एक, इसका आ गया आठ बटे पंद्रह, कितना आ जाएगा आठ बटे पंद्रह। अब उसके बाद आ गया बी, बी का नया अनुपात, बी को पहले कितना मिलता था दो बटे पाँच, त्याग कितने का कर रहा है दो बटे पंद्रह का, वही आ गया पंद्रह, पाँच तीय पंद्रह, तीन दूनी छः, माइनस में दो, इसका आ गया चार बटे पंद्रह, कितना आ गया चार बटे पंद्रह। अब सी का नया अनुपात, तो सी का नया अनुपात आ गया, सी को मिल रहा है एक बटे पाँच, पाँच को क्या करना है पंद्रह बनाना है, तो तीन बटे तीन से गुणा कर दो, इसका आ गया तीन बटे पंद्रह। तो नया अनुपात आ गया, नया अनुपात बराबर आठ अनुपात में चार अनुपात में तीन। कौन सी विधि होगी, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा है। तो निश्चित अनुपात का मतलब पहले बता देंगे भी किससे कितना ले रहा है, जैसे सी को एक बटे पाँच हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया, एक बटे तीन ले रहा है ए से, दो बटे तीन ले रहा है बी से, इसको जोड़ के देखो एक आ गया, अगर जोड़ के इतना आ जाता तो सीधा त्याग मान लेते, फिर ये निकालते नहीं, सीधा ही घटा देते, लेकिन जोड़ के एक आया तो पहले क्या करना है आपको, सी को एक बटे पाँच मिला उसे एक बटे तीन से गुणा किया तो एक का त्याग आ गया, बी का त्याग हो गया अपना एक बटे पाँच को दो बटे तीन से गुणा किया तो दो बटे पंद्रह आ गया। अब आपको क्या करना है, नया अनुपात तो पुराने में से त्याग घटा दिया तो एक आ गया आठ बटे पंद्रह, बी का था दो बटे पाँच त्याग घटा दिया दो बटे पंद्रह तो इसका आ गया चार बटे पंद्रह, और सी का एक बटे पाँच था पाँच को क्या करेंगे पंद्रह बनाएंगे तो इसका तीन बटे तीन यानी तीन बटे पंद्रह आ गया, तो नया अनुपात आठ चार तीन आ गया। इस तरह से आपकी ये चौथी विधि होगी, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है। अब इसी में एक तरीका और होएगा, जब नया साझेदार निश्चित अनुपात में तो कर रहा है लेकिन उसका टोटल इसके बराबर आएगा, ये अपने कल करेंगे। धन्यवाद।